8 दिन से ये मान के चलो भाई धूप एकदम मामूली से निकल रही थी या फिर निकल ही नहीं रही थी भाई सही साइड से। और अभी देखो भाई मैं तेज़ धूप निकली है और इसी बीच में मैं अपने कबूतरों को छोड़ने वाला हूँ बाहर। वो भाई आसमान भी आसमानी कलर का हो रहा आसमान भी। और भाई मैं अपने कबूतर निकालूंगा साथ ही, इसमें 4 नए कबूतर भी छोड़ूंगा मैं। अब वो 4 नए कबूतर कौन से हैं वो भाई मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। पहले मैं अपने पुराने कबूतर को बाहर छोड़ देता हूँ, फिर नए कबूतर भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 कौन से नए कबूतर मैं छोड़ रहा हूँ। भाई तेज़ धूप भी निकली है और माशाल्लाह थोड़ा कबूतर भी क्या है तो अंदर जाल के अंदर भाई बैठे हुए हैं, तो भाई वो भी थोड़े ठंडे आने पड़ गए होंगे। भाई ठंडे पड़ गए हमारे कबूतर, भाई धूप निकल नहीं रही थी करीब इतने दिनों से, तो थोड़ा धूप में उड़ेंगे तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। भाई फटाफट पहले मैं इनको भी निकाल लेता हूँ। भाई ये मेरे कबूतर देख लीजिए सब जाल के अंदर बैठे हैं। पहले मैं अपने पुराने कबूतर को निकालता हूँ, उसके बाद में 4 नए कबूतर। मौसम देख लो भाई, हाँ मौसम अच्छा। भाई देख लीजिए भाई मैंने अपने पूरे पुराने जो कबूतर है भाई मैंने उड़ा दिया हूँ। दो भाई 4-5 ये उड़ रहे हैं और बाकी ये दो एक ही 2 बाज ये 2 नीचे उड़ रहे हैं भाई। और बाकी कबूतर देख लीजिए इधर लंबे निकल गए, कहाँ गए भैया, तेजली गायब हो गए क्या। भाई देख लो ऊपर आसमान पे कबूतर कबूतर फैल गए भाई। तो एक टुकड़ी भाई ये चल रही है और एक टुकड़ी ये चल रही है, दो टुकड़ी अपनी अलग अलग हो गई है, दो कबूतर में अलग अलग डिवाइड हो गई है। और हवा के थपेड़ से वो इस साइड ज़्यादा कबूतर और लंबे निकल गए भाई कबूतर, ये लंबे जा रहे अपने पट्टी करते हुए। तो गाइस मैंने अपने पुराने कबूतर को उड़ा दिया हूँ और भाई अभी कबूतर क्या नीचे ऊपर और 2 टुकड़ी बन के चल रहे हैं। जैसे भाई मेरे कबूतर नीचे आ जाएंगे तो मैं 4 कबूतर में से 2 कबूतर मिला दूंगा। भाई आपको भी शौक कराता हूँ, जब तक के भाई ये कबूतर देख लीजिए, कबूतर कहाँ गए भाई, ये उड़ रहा हूँ वो उड़ रहा भाई कबूतर। ये तो भाई 4 नए कबूतर है और बीच में करीब मैंने इनको 4 से 5 दिन बैठक भी दिया था, फिर जैसे भाई मौसम ख़राब हुआ तो फिर मैंने इनको बाहर निकालना बंद कर दिया था ना। बस ज़्यादातर यानी पिंजरे में बिठा के छतरी पर रख रहा था और सीधे अंदर कर रहा था। तो आज देखते हैं सही तरीके से कि हम ये 4 कबूतर में से 4 घर पे वापस आती है ना छतरी पे बैठते हैं, ये 4 भाग जाते हैं। और गाइस वीडियो में मालूम पड़ेगा भाई, वीडियो बारीकी से देखे एंड तक के देखे भाई, 4 नए कबूतर मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये देखिए मेरे कबूतर भाई नीचे आ गए और अब इसके इनके विषय में मैं छोड़ता हूँ कबूतर ना, ताकि मेरे जो नए कबूतर है इन्हीं के बीच में उड़े। तो एक कबूतर तो यार आया है, ये बच्चा भाई, ये भी छतरी बैठ गया। तो भाई इसमें एक काम करता हूँ भाई, 4 को एक साथ उड़ाता हूँ, इन्हें पहले 2 को उड़ाता हूँ उसके बाद में फिर 2 को और उड़ा देंगे। पहले आप ये 2 कबूतर का शौक कर लो भाई, दोनों पंजाबी कबूतर है, एक लाल गजरे में और एक चीना वाला। भाई दोनों कबूतर का शौक कर लो भाई पहले आप, कि हो सकता है कि ये आए या नहीं आए वो तो हमारे को बाद में मालूम पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने इनको छतरी पे कम बैठक दिया हूँ। कभी हम नए कबूतर को ज़्यादा समय तक के रोक लेना तो भाई कबूतर बौद्ध हो जाते, कबूतर भारी हो जाते, चर्बी इनकी जम जाती है। तो मैं इनको उड़ा देता हूँ भाई, चुल्ला कर देता हूँ भाई इनको। कबूतर भाई टुकड़ी भाई मेरी नीचे आ गई है। तो भाई मैंने 2 को उड़ा दिया और ये 2 और बचे इनको भी निकाल दिया। अरे बड़ा भाई, एक थे मद्रासी बच्चा है और एक पंजाबी बच्चा है, शौक कर लो भाई इनका भी आप। ये मद्रासी एक कलाक और ये सफ़ेद आग का है पंजाबी भाई। तो भाई फड़फड़ा रहे हाथ में निकलने के लिए, देखो कितने नया बच्चे भाई माशाल्लाह। और इंशाल्लाह भाई देखते कि उम्मीद है कि 4 कबूतर ही आएंगे, बाकी बुला दूँ बेटा। भाई देखो ये है 2 कबूतर मेरे आले, जस्ट अभी उड़ाया मैंने
एक वो एक यार, और भाई दो कबूतर मेरे काफ़ी दूर निकल गए। ये इधर चल रहे अभी दो कबूतर बारिक में, बारिक में चल रहे भाई दो कबूतर ये। और अभी जस्ट जो अभी उड़ाया हूँ मैंने, ये दोनों अलग अलग उड़ रहे हैं भाई। और मेरे ये पुराने कबूतर भी आ गए, ये देख लो भाई पुराने कबूतर की टुकड़ी भाई ये चल रही है। और इन्हीं के बीच में ये दो अभी जो उड़ाया मिल जाएंगे, बाकी जो दो कबूतर है वो भाई बहुत दूर है, बहुत है ना बाहर ही चल रहे हैं भाई, काफ़ी दूर है। आपको शायद मोबाइल में आ जाए, कैमरे में आया तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। तो थोड़ा सा मौसम देख लो भाई, अभी थोड़ा सा अबर बादल उठे है, बाकी तेज़ धूप ही निकली है। तो माशाल्लाह भाई ऐसे मौसम में कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसे मौसम में ठंडा गर्म दोनों मिलता है। तो भाई शौक कर भाई मेरे उड़ते हैं कबूतर का। और अब देखते हैं कि चार कबूतर में से कितने कबूतर घर वापसी करते हैं। भाई ये है नए बच्चे जो मैं इनको छतरी पे ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने इनकी वीडियो आपके साथ शेयर भी करा था भाई। ये देख लो ये सब नए बच्चे हैं, इनके सब पर खुले हुए हैं, और इनको भाई मैं छतरी पे रख देता हूँ। इस मैंने जो नए कबूतर है जो पिंजरे में बिठा के छतरी पे बिठा दिया मैंने, बाकी जो मेरे पुराने कबूतर भाई ये उड़ रहे, और जो नए कबूतर एक दो और एक वो तीन चार भाई चारों अलग उड़ रहे, इनसे अलग उड़ रहे अब। और भाई ये उड़ रहे मेरे कबूतर की टुकड़ी। ऐसे मौसम में कबूतर भाई बहुत मस्त उड़ता है भाई, ठंडा गर्म मौसम मिलता है इनको। इसमें करीब एक दो तीन घंटे उड़ाऊँगा, उसके बाद में इनको फिर मैं बंद कर दूँगा। नीचे कबूतर दिखा दूँगा टीनों पे, जिससे मेरे कबूतर नीचे आ जाएंगे, और उन्हीं के बीच में मेरे पुराने कबूतर भी इंशाल्लाह आ जाएंगे भाई। तो गाइस मैंने जो चार नए कबूतर उड़ाया था उसमें से भाई दो कबूतर छतरी पे बैठ चुके हैं, बाकी दो कबूतर का भाई अभी आता पता लापता है। दो कबूतर मेरे को कबूतर के बीच में भी नहीं दिख रहे। देखो सीधे आगे छतरी पे नहीं, सामने भाई दीवार पे आगे बैठा हुआ है कबूतर, है ना जगह का पक्का हो गया है। अब हमारे पूरे कबूतर गाइस आ चुके हैं, और हम कबूतर को बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारे वो चार कबूतर में से दो कबूतर है कि नहीं इसके अंदर। तो गाइस चार कबूतर में से भाई ये सिर्फ दो कबूतर वापस आए, भाई ये नए कबूतर थे। सबसे आखिरी में कबूतर ये बैठा था दीवार पे आके, बाकी भाई दो कबूतर नहीं आए।